वेलकम बैक फ्रेंड दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले UPSI। आप सभी को पता है मेरे भाई, लखनऊ खंडपीठ में इसकी सुनवाई हो रही थी। संदीप परिहार जी के रीट नंबर आपको दिख रहा होगा 4581/2022, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी सुनवाई हुई है। दो फेज में सुनवाई हुई, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक मेरे भाई। सिंगल बेंच में इसकी सुनवाई थी, और आप सभी को पता है 421 नंबर था इनका, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको सुना गया है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। फर्स्ट सुनवाई आपको दिख रही है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा 25 जुलाई, देन उसके बाद होती है 28 तारीख, मतलब आज, ठीक है। 28 जुलाई की सुनवाई हो चुकी, मतलब 2 दिन अच्छे से सुनवाई कम्प्लीटली हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए डेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 18 अगस्त। 18 अगस्त को डेट क्यों लगी है, इसकी जानकारी पूरी आपको देने वाले हैं। और आज सुनवाई में क्या क्या सारी चीज़ हुई, क्या पॉइंट आउट किया गया है, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। किसकी तरफ ये केस जाता हुआ दिख रहा है, सारी बातें आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी को पता है मेरे भाई, लखनऊ में इसकी सुनवाई थी, सुनवाई होती है, और भर्ती बोर्ड की तरफ से 4 वकील आते हैं, और कुछ IPS, कुछ यहाँ पे दरोगा, कुछ कांस्टेबल यहाँ पे आते हैं, ठीक है। आप सभी को पहले वीडियो में कंटिन्यू बताते आ रहा हूँ, 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक मेरे भाई। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो नए कैंडिडेट हैं उनके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को पता चल जाए कि भाई ये इसकी सुनवाई 18 अगस्त को होने वाली है। और 18 अगस्त को डेट क्यों लगी, कुछ बच्चे बोल रहे थे केस डिसमिस हो जाएगा, केस डिसमिस क्यों नहीं हुआ, और 18 तारीख को डेट क्यों लगी है, सारी जानकारी आपको A to Z मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं, सारी जानकारी आपको कंटिन्यू बताते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे देख लेना, 25 तारीख को सुनवाई होती है, भर्ती बोर्ड को तलब किया जाता है सेक्रेटरी को, और उनके तरफ से जवाब मांगा जाता है। संदीप परिहार जो रीट नंबर डाले हैं, आप सभी को पता है, इनके तरफ से जो सारी चीज़ें एलिगेशन लगाई गई हैं, भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा गया था। तो आज 28 तारीख आज इसकी सुनवाई हो रही थी, ठीक है। आज इसकी सुनवाई होती है, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से सब कुछ चल रही थी, और सब कुछ चलती रही, ठीक है, कंटिन्यू अच्छे से चलती रही। और लखनऊ खंडपीठ के वकील आप सभी को पता है विद्याभूषण कालिया जी हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से इस केस को लीड कर रहे थे, ठीक है। और भर्ती बोर्ड की तरफ से लगभग 4 वकील आए थे, कुछ IPS लोग आए थे, और कुछ दरोगा भी आए थे, कुछ कांस्टेबल भी, ठीक है। तो इतने भैया आए थे, सेक्रेटरी भी। तो सारी चीज़ें वहाँ पे एक एक पॉइंट आउट किया गया है, जो भर्ती बोर्ड पे एलिगेशन लगाए गए थे उसी की तरफ से वो लोग अच्छे से सफाई पेश करने आए थे, ठीक है। तो सारी जानकारी सुनने के बाद जज साहब सुने हैं, और क्या क्या सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेना। नंबर 1, CRL पे बात हुई है, ठीक है, CRL पे बात हुई है, FIR पे बात हुई है, और उसी कंपनी को टेंडर क्यों दिया गया है इस पर बात हुई है, और टेंडर दिया गया तो क्या उसकी शर्तें थी, ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल जवाब भी किए गए हैं भर्ती बोर्ड की तरफ से, जिसको भर्ती बोर्ड की तरफ से थोड़ा सा नरमी ढीली गई, मतलब कि उधर से थोड़ा सा जवाब अच्छे से नहीं दिया गया है, ठीक है। जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज स्टे लग जाता, ठीक है, क्योंकि दूसरी सुनवाई थी दूसरी, ठीक है, क्योंकि उनको भी मौका दिया जाता। अब मुझे पता था और सबको भी पता होगा कि दूसरी सुनवाई है, या तो न्यू डेट मिल जाएगी या फिर टाइम भर्ती बोर्ड की तरफ से मांगा जाएगा। तो भाई सारी चीज़ें वही हुई है, हाई कोर्ट ने भर्ती बोर्ड को लगभग 3 वीक का टाइम दिया है, और 18 तारीख को उनको बोला गया है कि आप यहाँ पे एफिडेविट लेके आइए और सारी चीज़ें बताइए। जो सारी चीज़ें हुई हैं, 36,170 बच्चे जो पास हुए थे, इनकी जांच हुई है या फिर नहीं, इनका CRL निकला है नहीं है, कुछ चेक हुआ है कि नहीं हुआ है। अब एफिडेविट भर्ती बोर्ड को सौंपना होगा 18 तारीख को, सब कुछ अच्छे से एकदम क्लियर, शपथ पत्र जिसको कहते हैं मेरे भाई, जो जो सारी चीज़ें वो लिखेंगे वहाँ पे वही मान्य होगा, वही फिर अंतिम होगा, ठीक है। शपथ पत्र इनसे मांगा गया है, और NSCIT की तरफ से जो कंपनी आपका एग्ज़ाम कराई थी उनसे भी मांगा गया है। तो सारी चीज़ें वहाँ पे देख लेना, 18 तारीख को पेश होंगी, उनको 3 वीक को टाइम दिया गया, और भर्ती बोर्ड की तरफ से टाइम मांगा गया है, ठीक है। इनको अच्छे से टाइम दिया गया है, और केस इतना मजबूत था है, अगर केस मजबूत ना होता तो मेरे भाई डिसमिस हो जाता, केस डिसमिस हो जाता, इतनी देर तक सुनवाई ना होती, लगभग 1-2 घंटे तक, ठीक है, सुनवाई तब तक ही ना होती, केस के डिसमिस कर देते और वहीं पे सारी चीज़ें समाप्त हो जाती। लेकिन केस इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि किसी भी हालत में डिसमिस नहीं हो सकता था, ठीक है, क्योंकि भर्ती बोर्ड की तरफ से टाइम मांगा गया है। तो हाई कोर्ट की तरफ से जज साहब ने इनको टाइम दिया है 3 वीक का, कि भैया अपना शपथ पत्र अच्छे से तैयार करके लाइए, जो जो एलिगेशन इस तरफ से लगाए गए हैं उसका शपथ पत्र प्ररूप तैयार करके आइए, और अच्छे से आइएगा तैयार करके, जो सारी चीज़ें हुई हैं उसका एक एक पॉइंट करके आइएगा, कि भैया एलिगेशन क्यों लगा है, और CRL की जाँच हुई कि नहीं हुई, FIR क्यों हुआ है, NSCIT से एग्ज़ाम अगर कंपनी से कराया गया है, NSCIT से, तो क्यों कराया गया है, उसके क्या शर्तें थे, सारी चीज़ों को ये लोग पेश करेंगे 18 तारीख को, ठीक है। 18 तारीख जो है फाइनल डेट हो सकती है, या तो केस डिसमिस हो जाएगा,
या तो फिर स्टे भर्ती पे लग जाएगा। दो में से एक चीज़ होगा, या तो स्टे लग सकता है वैकेंसी पे, या फिर वैकेंसी केस डिसमिस हो सकता है। क्यों? अब सारी चीज़ें आपके सामने देख लीजिए। केस डिसमिस होता तो हो जाता, टाइम लिया गया तो इसका मतलब वो लोग सबूत देने वाले हैं, ठीक है। ठीके? सबूत अच्छे से अगर पेश नहीं कर पाते हैं तो भैया इस पर स्टे लगेगा। अगर वो लोग अच्छे से सब कुछ कर देते हैं तो भैया वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। दो ही हैं, या तो वैकेंसी क्लियर हो जाएगी या फिर स्टे इस पर लग जाएगा, री एग्ज़ाम होगा, ठीक है। दो ही इस पे हो सकते हैं। जांच हुई तो री एग्ज़ाम पक्का होगा। अगर जांच इसमें SIT हुई तो जांच SIT हुई तो इसमें बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जाएंगे। बड़े बड़े अधिकारी ना पकड़े जाएं इसलिए री एग्ज़ाम भर्ती बोर्ड चाहेगा करा दें। अगर सब कुछ इसमें सबूत पेश कर दिया भर्ती बोर्ड की तरफ से सब कुछ, तो भैया ये सब कुछ मेडिकल भी हो जाएगा। इसलिए मेडिकल की डेट तब तक नहीं आएगी जब तक इस केस की फाइनल सुनवाई नहीं हो जाती, ठीक है। जब तक इस केस की फाइनल सुनवाई हो नहीं जाती तब तक मेडिकल डेट किसी भी हालत में नहीं आएगी, क्योंकि आप सभी को पता है भर्ती बोर्ड इसी में फंसा हुआ है। सारी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होगी तो कैसे भी आपका किसी भी हालत में आपका मेडिकल डेट नहीं आने वाली, ठीक है। तो भैया देखो, अब 18 तारीख तक तो वेट करो, लगभग ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया गया। सोचो ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया, 18 तारीख दिया गया, उसके पहले 10 तारीख को सुनवाई है, फिर 18 तारीख को सुनवाई, और 10 तारीख से पहले भी सुनवाई है AP सिंह की होने वाली है। आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील है, उनकी भी शायद रिट उट पड़ जाएगी, तो उनकी भी सुनवाई लगभग 5 अगस्त या फिर कुछ भी हो लगभग 10 अगस्त से पहले, मतलब कंटिन्यू सुनवाई इसकी हो रही। तो भर्ती बोर्ड पहले ही सोच रहा है सारी चीज़ें इसको निपटा दें या फिर खुद निपट जाएं, या इसको निपटा दें या फिर खुद निपट जाएं, बस यही होगा। या तो इस केस को ये लोग मिलकर निपटा देंगे या फिर खुद निपट जाएंगे, एग्जाम में फिर स्टे हो जाएगा। दो ही में से एक चीज़ होगा मेरे भाई, ठीक है। 50-50% है। अगर एलिगेशन अच्छे से लगाएगा, जवाब नहीं दे पाते हैं तो एग्जाम होगा, स्टे लगेगी। अगर वो लोग अच्छे से सारी चीज़ें ब्रीफिंग करके सब कुछ अच्छे से दे देते हैं कि सारी चीज़ें जो इस पे लगा है ये भैया निराधार है, तो भैया जाहिर सी बात है आपका मेडिकल होगा, सारी चीज़ें होंगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट डेट है 18 तारीख, 18 अगस्त को बहुत ही अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इनको भी एक मौका दिया गया और भर्ती बोर्ड को एक अच्छे से मौका दिया गया, ठीक है। एक अच्छे से मौका दिया गया भैया कि अपना सारे सबूत अपने लाइए, सब कुछ पेश करिए, वहीं पे सारी चीज़ें कंप्लीटली हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। इनका सुना गया, इनका सुना गया 28 तारीख। अब यह है फाइनल लड़ाई, 18 तारीख को फाइनल लड़ाई है। दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। वेट करना, सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू अपडेट देते रहेंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।